नमस्कार एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव और ये खबरें देखें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में कटनी जिले के बिलहेरी पुष्पवती नगरी के बैकुंठ मेला प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जल और जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले किए हैं। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा और ऐसी कोई चीज नहीं बची जिसमें कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया हो। जमीन, कोल ब्लॉक, 2G पंडुवी घोटाले जैसे कई घोटाले कांग्रेस के खाते में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में अटल जी ने पोखरण विस्फोट कर विश्व में भारत को शक्तिशाली बनाया था। आज कांग्रेस पूरे देश को तबाह और बर्बाद कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकता सड़क, पानी और बिजली में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश प्रभारी सांसद अनिल माधव दवे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग, भारत शासन को भेजी शिकायत में आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता के प्रभावशील होने के बावजूद सरकारी खर्चे पर केंद्र सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा विकास योजनाओं और उपलब्धियों को समाचार माध्यमों में विज्ञापित किया जा रहा है, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन और दंडनीय अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार में प्रमुख राजनीतिक दल के नाते इन विज्ञापनों का लाभ कांग्रेस को सुनिश्चित करने की साजिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की परंपरा के अनुरूप स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिजेंद्र सिंह सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पार्टी के विधायक विश्वास सारंग की छवि धूमिल करने की साजिश की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस साजिश को अंजाम देने वाले दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की पुलिस प्रशासन भोपाल से मांग की है। बिजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि किसी अज्ञात महिला द्वारा मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराने के पीछे किसी इच्छुक चुनाव प्रत्याशी की सक्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सीधी जिले के पपोद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर चेहरे पर मुस्कान बिखेरना हमारी प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित जन समुदाय से आह्वान किया कि वह विधानसभा चुनाव में सिर्फ वोट न डालें बल्कि मैदान में आकर चुनावी समर में जुट जाएं, चुनाव के लिए जनता निकल पड़े और एक हो जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को जिताए और ऐसा मध्य प्रदेश बनाए जिसकी चर्चा पूरे देश में विकासशील राज्य के रूप में की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिवराज फोबिया से ग्रस्त है, वह सपने में भी शिवराज हटाओ रटती रहती है। कांग्रेस को जनहितेशी कार्यक्रम रास नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनता का विकास करो, लेकिन कांग्रेस कहती है कि विकास करने वाले शिवराज सिंह को हटाओ, फैसला जनता को करना है। राज्यपाल राम नरेश यादव ने वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल यादव ने अपने संदेश में कहा है कि रामायण के रचयिता और प्रसिद्ध कवि वाल्मीकि पूरे ब्रह्मांड के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यादव ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की महान रचना रामायण महाकाव्य भगवान राम के जीवन और उनसे संबंधित घटनाओं पर आधारित है, जो जीवन के विभिन्न कर्तव्यों से परिचित करवाती है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए ईएमएस टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।